हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। जय मुरलीते, जय माता जी। तो आज है ये नए साल का दूसरा दिन, तो भी आज बज गए हैं 10 और आज तो है संडे, तो पूरे दिन का ब्लॉग आएगा। तो आज अभी तो एक जो विंटर की स्पेशल वानगी होती है अड़दिया, जो गुजराती में हम बोलते हैं, तो मुझे पता नहीं है पूरे इंडिया में अड़दिया बनता होगा या फिर नहीं, लेकिन गुजरात में तो बनता ही है। तो वो रेसिपी आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहना, वो भी सब आएगा। तो पहले तो हमने बना चुके हैं, लेकिन तब मैं यहाँ पर घर पर नहीं था तो ब्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन आज ब्लॉग में बनाने की कोशिश करूँगा। आज तो धूप है इसलिए कोई दिक्कत है नहीं, धूप अभी बस सिर के ऊपर आ रही है, मतलब कि 12 बजे बिल्कुल सूर्य हमारे सिर के ऊपर रहता है। पहले टाइम भी ऐसे ही देखते थे, घड़ी बड़ी तो थी नहीं पहले के ज़माने में, ये जो सूर्य है उसके ऊपर से टाइम देखते थे। तो पिछले व्लॉग पर कंटिन्यू करना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी अड़दिया बनने की तैयारी हो रही है, जो आप विंटर में देखते होंगे गुजरात में, तो खास क्या, सबसे पहले तो ये गाय का घी है जो 5 kg का ये है, पूरा यहाँ तक भरा था, इतना डाला है, अभी डालेंगे। और वो है उड़द का आटा, इतना जो 3 kg का होगा, शायद 3 kg जितना, कितलो नाखवानो है ये तो, जितलो आम हुआ इतलो बस। बादाम ना है क्या? नहीं बुझे, अभी बादाम भी है, सब डालेंगे इसमें, ड्राई फ्रूट। तो इतनी कढ़ाई में हमने इतना ज़्यादा तो घी डाल दिया, आधा डाल दिया है। अभी इसको गर्म करेंगे चूल्हे पर। तो भी घी में आटा मिक्स कर रहे हैं, अभी इतना बचा है, और ये इससे बड़ा एक और जो एक वासन है उसमें भरा हुआ है पूरा। आगे 2 बार बना चुके हैं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सका, स्कूल पे था, इसलिए आज टाइम है तो आपको दिखा रहा हूँ। बधू आवी जा हम, बस बीजा बना ले नहीं। तो यह है चीकू का पेड़, इसमें चीकू आने लगे हैं, हम देख भी सकते हैं, अभी तो आ रहे हैं, मतलब कि शुरुआत हो चुकी है। तो इसमें पक्षी आते हैं जो रात में, चामा चिड़िया है वो सब, कोयल सब भी इसमें आते हैं रात में ज़्यादातर, अभी दिन में भी है। जब पके हुए होते हैं कुछ कुछ वो खाते हैं, तो अच्छी बात है, पक्षियों भी उसका पेट भर जाए। फिर थोड़े 2-3 महीने जाएंगे तो इसमें फल आने लगेंगे 2 में, तो वो भी खाएंगे, काले जामुन है। तो वहाँ पर भी एक पेड़ है जो हमारा कुआ है, वहाँ पर तो बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी कुछ बेल मतलब कि कुछ एनिमल्स अभी खा रहे हैं, कुछ बैठ गए हैं, सुबह का माहौल है, आज इतनी ठंड नहीं थी। तो यहाँ पर बादाम के थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं, यहाँ पर है गूंद, हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम मुझे, अभी तो और आता है किशमिश, वो सब इसमें आता है, वो सब डालेंगे। कितने क्वार्ट से हम, है ना,
પેલા માં બનાવતા આવડ જ્યા કઈ પેલા ના રે માં કઈ બનાવતા નહીં ભીહો દવા દેતી ઘણા ચાર પાંચ પણ કોઈ દે આવડે ગયો તો દેખો નતો માર બાપ માખણ થાય એટલું પાહાન થાર્યું વધાર્યું તથા એ ઝઘડો બેદડો લઈને દેવા જાય તો અહીંયા આવે શું ઘીનો ભાવ હોય તે આવે કીધાય આવે બીજું શું ને કઈ તે દીચાય ને ડેરી હોય ગયું તે નાકા કી તો મલક થતો પણ આ અડગિયાનું કોઈ વહાણ નહોતું કે અડગિયો કરીને આવે તો આ બધા અડગિયાનું લેવે આવેલું બધા વેલા ઘડી કઈ શીખાઈ ગયા કે અડગિયા હતા વાળ અડગિયા હતા બધા અડગિયા કરે માટાણે શારામાં ચોકાણ ખાય બધા નાકર ત્યાં તેથી ક્યાં કઈ હતું માં નાકર પાંચ ચાર પીણું તમારે દોવા જ દેખ્યું તો એ વેલા ઘડી કે માખણ તો જેથી માં દેવા જાય દૂધ દેવાય ન જાતા ને ના દૂધ ડેરિયું નોચ્યું હું દેવા જાય લોઢાની ગોરી હતી તે એક જબર બે ચાર કાક બાપા ઊંડી સાહેબ ફેર ને લે એટલો તો એ પાહાન થારીમાં માખણ વધારતી એટલું માખણ નીકળતું ન્યાયમાં રોટલા ચોપડી તો એ પૂરા ઘટતું નહીં એટલું ખાટો ન આવે છતાં પાછું ફરાઈ જાય હવે ભીહું તો એને આવડતા પ્રાવીણ વાળી કઈ કઈ કાકી તમારે હાથ ન રહી જાય ના હાથ ન રહી ના બેઠી હમણાં તે તો માં ચાર વાગ્યા ઉઠીને વાહિંદા કરો વાહિંદા તો પછી માં ખોટું હું ઓછો તો ફૂકતી તઈ તો અહીંયા માંડવી નાખતા અટાણે વાળા કઈ નંબરે તઈ તો રાળ સાર હતી અહીંયા માંડવ્યું હતું સાર હતી તો રાળા હતી આમ આમ બધું ફરી નાખી દે એને કોઈ કે કંઈક વાહિંદા થાય ને કંઈ તો પોતા ફમી દે તો ભાઈ ગમે નહીં કામ તો દોસ્તો અભી બનકે રેડી હે અમારે અડદિયા ये देख सकते हैं अभी सूखने के लिए रखे हैं ऊपर घी आ चुका है और ड्राई फ्रूट इसमें है बादाम है गोंद है सब है तो चार बनाए हैं ये दो में पीसेस कर दिए हैं ये दो में अभी बाकी है सूखेंगे ये चार एक चार के जी होंगे आराम से चार पाँच के जी तो किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना ये घी भी बहुत ज़्यादा डाला है क्योंकि घर का है गाय का है इसलिए इसमें उपयोग करते हैं तो हमारी जो नंदिनी है श्यामा है ये दोनों का प्यार देखिए लगभग तो उम्र में सेम नहीं है ये छोटी छोटी है ये बड़ी है ये छोटी है और दोनों बहनें ही हैं तो पहले से साथ ही रही हैं अभी साथ ही हैं तो प्यार देख सकते हैं इनका ये वहाँ पर जाती है कभी वो यहाँ पर आ जाती है पीछे इतना दोनों बहनें ही है तो दोस्तों अभी हम आज का अभी आगे का ब्लॉग है वो कंटिन्यू करेंगे अभी आपने जो आगे देखा हो दोपहर के पहले का है अभी दोपहर के बाद का है अभी चार बजे हैं थोड़ी सी धूप है पाँच बजे से अभी ये सब मक्का काटने का काम होने वाला है चचका भी काटना है तो वो आज मैं थोड़ी सी हेल्प करूँगा क्योंकि आज है रविवार तो थोड़ी सी हेल्प तो बनती है तो जब भी हमने पहला ब्लॉग स्टार्ट किया था मतलब कि हमारी ये चैनल का तो सबसे पहले सबसे पहला व्लॉग जो था वो मैंने रचका ही काटा था मतलब कि तभी तो कुछ भी मुझे आता नहीं था मेरी स्पीच अच्छी नहीं थी कुछ भी अच्छा नहीं था सेल्फी में वीडियो नहीं बनाता था एक ही बार सेल्फी में सिर्फ वीडियो स्टार्ट करने में ही बोलता था तो आज अभी इतनी अच्छी स्पीच हो गई है मेरी और रचके में फिर से आज पहली बार मैं ये व्लॉग बनाऊँगा तो वीडियो को देखना ना भूले और कुछ पूरा नहीं याद अभी याद है जो हमारी वो भी ताज़ा हो रही है कि हमने इसमें ब्लॉग स्टार्ट किया था और आज वही दिन फिर से आ रहा है तो अभी बाल कटवा लिए हैं नहा धोकर रेडी है अभी ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे और आशा है डेफिनेटली आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा ही विश्वास है मुझे
तो कंटिन्यू करो ब्लॉग को और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों अभी आपने जो वीडियो देखा आगे का, वो क्या है कि हमने मैंने कहा था कि वो एक स्प्रे आता है जो जिसमें जीरे से पानी देंगे, जीरे में पानी देंगे, मतलब कि वो छोटी छोटी एक पानी की बिंदु बनाता है, छोटे छोटे पानी के कण। वो तो आपको पता ही होगा आप स्प्रे कैसे हम करते हैं, बालों में स्प्रे लगाते हैं या फिर कोई भी चीज़ में पंप से दवाई लगाते हैं, जिसमें जितना स्प्रे लगता है ना वैसा उस पानी वो छिड़कता है खेत में, मतलब कि खेत थोड़ा थोड़ा ऊपर गीला होता है और जीरे को जितना चाहिए उतना पानी ले लेगा, बाकी खेत बिगड़ेगा नहीं, ऐसा होता है। तो वो आगे स्प्रे है, हम खेत में ट्राई करेंगे, हम भी हमें लगा नहीं है, तो बाजू वाले खेत के भाई के थे चाचा ने वीडियो शूट कर लिया, तो वो है आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट करके थोड़ा थोड़ा स्प्रे है, वो आप देख लेना, ये दिखाना था आपको। तो अभी यहाँ पर पीछे अभी मम्मी कपड़े धो रहे हैं, जो अभी कभी कभी हाथ से भी धोना चाहिए, हाथ में कसरत रहती है, हाथ अच्छा बनता है हमारा। तो वो बाकी तो चलिए अभी दिखाता हूँ क्या आपको दिखाने का लायक है, और व्लॉग अच्छा बने ऐसी कोशिश भी करनी चाहिए क्योंकि आपको मजा आना चाहिए, मैं तो किसी भी प्रकार का व्लॉग बना दूंगा। अभी रच का इतना है वहाँ से यहाँ तक काट लिया, और बाकी ये थोड़ी सी मक्का है जो वो एनिमल्स के लिए काट रहे हैं, फिर अंदर चेंज भी करने पड़ेंगे, सनसेट का टाइम है अभी। तो अभी मैंने थोड़ी सी हेल्प की, थक जाता हूँ क्योंकि पहले काम ये रूटीन का होता है, रूटीन का जो भी काम हो उसमें थकते नहीं है, लेकिन मैंने ये कई दिनों से नहीं किया था, तो इतना से काटेंगे ना तो कि मक्का बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है इसकी और ऊंचाई भी ज़्यादा होती है, इसलिए इतना में तो सब एनिमल्स को आ जाएगा। वैसे रज का भी होता है तो वो भी डालते हैं, चारा भी सूखा वो भी डालते हैं, इसलिए थोड़ा सा ही काटना पड़ेगा। अभी वो है, फिर ये हो जाएगा उस खेत पे, अब सुकवणी हो गई है हमारी जो वीडियो में दिखाया था, वो भी लाना है दो तीन दिनों में यहाँ। तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद। और भैंस का जो है अभी बच्चा देने का, तो वो वीडियो में शूट हो पाएगा तो करूँगा, क्योंकि रात हो ही जाएगी शायद, रात में तो इतना क्या है कि अच्छा नहीं आएगा वीडियो शूटिंग, तो देखेंगे वो कल के वीडियो में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस रहे तो अच्छा है ना। आज का व्लॉग तो बन गया, मुझे पता नहीं था कि बच्चा देगी शायद, वरना तो वो व्लॉग बनाते क्योंकि रविवार था, और रात में होगा तो देखेंगे, वीडियो तो ज़रूर थोड़ा सा जो भी हो सके उतना बनाऊँगा, लेकिन देखेंगे अभी आगे। तो मिलेंगे कल के व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब ये बच्चा दे देगी, अभी कुछ हमें पता भी नहीं था, अभी तो देर है इनके जो दिन पूरे होने में, 7-8 दिन की देर है, लेकिन फिर भी अभी ऐसा हो रहा है, तो देखेंगे उसे। हमें तो कुछ भी पता नहीं था, तो दोपहर से थोड़ी सी वो कमज़ोर लग रही थी, तो फिर अब लग रहा है कि बच्चा दे देगी, सब कुछ अच्छे से हो जाए तो अच्छी बात है, वरना प्रॉब्लम होगी तो फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा।
तो कहो यार भाई।